नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसकी इफेक्ट बहुत जल्दी दूसरे लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उन लोगों को मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, हर जगह बहुत बढ़िया रिलेशनशिप कायम होगी। और रिलेशनशिप मतलब रिलेशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि ये उपाय दोस्तों सूर्यदेव का है, जो आपको करना है रविवार के दिन। बराबर, रविवार के दिन आप सुबह से लेकर के 12 बजे तक इस उपाय को करेंगे तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये उपाय मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों कि जिसके ऊपर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर हर ग्रह अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास यश है, कीर्ति है, धन है, दौलत है, उसके पास तो नेचुरली हर चीज अपने पास आ ही जाती है। तो ये दोस्तों उपाय बहुत साधारण, बहुत छोटा सा है और कर लेने के लायक है। जो लोग 12 बजे तक इस उपाय को ना कर सके, वे लोग इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा उपाय है, वो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस दिन सूर्य देव को जो आप जल चढ़ाते हैं, उस जल में आपको थोड़ा सा चुकंदर का रस मिला देना है। चुकंदर, जिसे बीट भी कहा जाता है, बिल्कुल रेड कलर का सलगम जिसे कहते हैं, आप सलगम ले आए और ला करके उसका जरा सा आप रस निकाल लें और उस रस को आप सूर्यदेव के, जो सूर्यदेव को जो आप जल चढ़ाते हैं, उस जल में आप मिला दें। दोस्तों, ये फल सूर्यदेव का बहुत 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 प्रिय फल है। इस फल का यूं भी दोस्तों सेवन करने से शरीर में खून बढ़ता है, शरीर में शक्ति आती है। इस फल को, इसके जूस को, इसके थोड़े से रस को यदि आप सूर्यदेव को अर्पित करते हैं, यदि आप हर रविवार ये काम करना शुरू कर दे दोस्तों, दुनिया में आप छा जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा। भले आप थोड़ा सा ही करें, यदि आप इसका रस नहीं निकाल पाते तो थोड़ा सा टुकड़ा काट करके और आप जल में मिला दें और उस जल को आप सूर्यदेव को अर्पित करें। रिजल्ट दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया आएगा। सूर्यदेव के जल में हमेशा लाल चंदन आप यूज करें, हल्दी डालें, कुमकुम डालें, थोड़े से अक्षत डालें, काले तिल डालें। ये तमाम उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। चुकंदर वाला ये उपाय, शलगम का उपाय, मैं आपको ये फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि इस उपाय को आप करके देखना दोस्तों। आप यदि दुनिया में ना छा जाए तो बोलना। जो लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक भी नहीं अचीव कर पाते हैं शलगम, वो लोग दिन में फिर कभी भी शलगम लेकर के आए और उस शलगम को आप गाय को खिला दें, लाल रंग की गाय को। जब आप उस शलगम को खिलाते हैं, आपको एक ही मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। 7 बार आप इस मंत्र को बोले शलगम को हाथ में लेकर के, और लाल गाय को आप इसे खिलाते हैं। यदि हर रविवार आप इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोल दूं, बिल्कुल फैक्ट बात है, जो भी लोग रविवार के दिन शलगम गाय को खिलाते हैं या शलगम का रस सूर्य देव के जल में अर्पित करते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है, उनके नाम के डंके बजते हैं। आप इस उपाय को करके देखें, करके देखें। यदि आपका नाम रोशन ना हो जाए, धन और संपत्ति आपके पीछे ना चले, तब आप बोलना। करके देखें, करने के लायक उपाय है। करते रहें, खुश रहें दोस्तों। ये सब कुछ समझने में कहीं कोई तकलीफ हो रही हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।